नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक शॉप चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं तो बैठे बैठे भैया हमारी कमर अकड़ जाती है। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम भी 3-4 घंटे 5 घंटे गेम अगर आप प्ले कर रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर पर एडिटिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो बैठे बैठे हमारी कमर अकड़ जाती है और ऐसे में हमें खड़े होने का मन होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हो जा रहा हूँ, तो ये जो टेबल है ये ऑटो हाइट एडजस्टमेंट वाली टेबल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपने आप ही जो मैंने हाइट इसकी सेट कर रखी है, मैं यहाँ खड़ा हो गया तो टेबल भी अपने आप ही ऊपर की तरफ आ रही है और मैं जब तक चाहूँ यहाँ पर खड़े होके भी आराम से अपना काम कर सकता हूँ। गेम खेलना है गेम खेल सकते हो, एडिटिंग करना है एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर हमें फिर से बैठना है, बैठने का मन कर रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठ गया और मैं चाह रहा हूँ मेरी टेबल वापस उसी लेवल पर आ जाए, तो सिंपल मुझे एक बटन दबाना होगा, ये वापस से यहाँ पर आ जाएगी। आप देख रहे हो ये धीरे 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 मेरे लेवल पर आ रही है, नीचे आ चुकी है और फिर मैं यहाँ पर बैठ के आराम से काम कर पाऊंगा। तो बहुत ही कमाल की टेबल है। आज के वीडियो में हम इसी टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेबल मैंने amazon.in से मंगवाई है और जब ये यहाँ पर डिलीवर हुई थी तो बहुत बड़े बड़े 2 पैकेट हमें यहाँ पर रिसीव हुए थे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो आप 2 पैकेट देख रहे हो, एक पैकेट इसमें जो छोटा पैकेट आप देख रहे हो, इसके अंदर इसकी सारी असेंबली है, इसकी मोटर्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। और दूसरा ये वाला जो बड़ा सा पैकेट है, इसके अंदर है इसका टेबल टॉप। और इन्हें अपने रूम में लाने में भी मेरी हालत खराब हो गई है, बहुत भारी है। तो सबसे पहले हम इसके छोटे वाले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो सारा कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इस बॉक्स के अंदर इसकी सारी असेंबली है। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ ये यूज़र मैनुअल दिया गया है, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे आपको इसे असेंबल करना है, स्क्रू नंबर वगैरह सारा कुछ दी गई है, एलाइन की वगैरह सब कुछ डिटेल आप इसके अंदर देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके सारे स्क्रूज़ वगैरह दिए गए हैं, इन पर नंबर भी डाले गए हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है इसका टच पैनल, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मोनार्क की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड भी दिया गया है जिससे आप अपने मॉनिटर और पीसी को पावर दे सकते हो। ये डेस्क के ऊपर माउंट हो जाएगा। इसमें यूएसबी के 2 पॉइंट भी दिए गए जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक पेन होल्डर भी दिया गया है, साथ ही साथ केबल मैनेजर भी इसमें दिया गया है, इसे भी आप अपने टेबल पर माउंट कर सकते हो। और यहाँ पर बाकी सारा कुछ इसका स्टील से बना हुआ है और ये भी इसकी कुछ एसेसरीज हैं, सारी की सारी एसेसरीज को कैसे असेंबल करना है वो आपका सब इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा। और इसकी दोनों लेग्स पर मोटर दी गई हैं, बोश कंपनी की मोटर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका कंसोल, बेसिकली आप इसे इसका सीपीयू बोल सकते हो। तो सारा कुछ हमने ओपन कर लिया है और अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ आप देख रहे हो, इतने सारे अंजर पंजर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, इन्हें सबको जोड़ लेना है हमें। तो जोड़ने के बाद ये फ्रेम कुछ इस तरह का दिखाई देगा, एंटी स्किड लेग्स नीचे दी गई हैं। तो ये हमारा लगभग कनेक्ट हो चुका है और अब हम इसके जो टेबल टॉप आया है बड़ा वाला डिब्बा, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर से टेबल टॉप को बाहर निकाल लेंगे और इसे असेंबल करने के लिए आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि काफ़ी हैवी है, अकेले से ये नहीं होने वाला है। तो इस सब को हटाने के बाद, इसकी सारी पैकिंग काफ़ी अच्छे से पैकिंग इन्होंने की हुई है, सारी पैकिंग हटाने के बाद अब हमें इस तरह से इस फ्रेम को इसके ऊपर रख देना है, स्क्रूज इसके टाइट कर देने हैं और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो आप 1800 mm तक का टॉप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो अब इसे हमने सीधा कर दिया है और नीचे भी मैं दिखा देता हूँ सारे कनेक्शंस, हमने इसके प्रॉपर तरीके से सारे कनेक्शन इसके कर दिए हैं, कंसोल वगैरह सब कुछ लगा दिया है और काफ़ी बढ़िया से इसका केबल मैनेजमेंट सिस्टम इसका दिया गया है, सब कुछ मैनेज हो गया है। और यहाँ पर इसका टच पैनल है जिससे हम इसे कंट्रोल करेंगे। तो अब आप देख सकते हो ये टेबल हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसका टॉप भी पूरी तरह से रेडी है। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के टॉप मिल जाएंगे, आप चाहो तो अलग अलग कलर के आप यहाँ पर जो टेबल टॉप है वो ले सकते हो। ये इसका कंट्रोलर है, यहाँ से हम इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो LED डिस्प्ले यहाँ दिया गया है, मोनार्क की ब्रांडिंग यहाँ दी गई है। यहाँ पर जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर होगी और इसको करेंगे तो ये यहाँ से हम नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारी टेबल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
ये आप देख रहे हो, इसका यहाँ पर हम एक्सटेंशन इसका हमने लगा दिया है, तो दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें यूएसबी चार्जिंग के लिए भी पोर्ट दिया गया है, और ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर केबल्स के लिए ऑप्शन दिया गया है, जो केबल्स हैं ऊपर मॉनिटर वगैरह की केबल आप यहाँ से ऊपर लेके आ सकते हो, और यहाँ पर ये हमें पेन होल्डर भी मिल जाता है। और इसमें फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग हमें यहाँ मिल जाती है। ये हमारा इस तरह का फ्रेम है, काफ़ी मजबूत फ्रेम है, यहाँ पर पूरा फिक्स हो गया है, और इसकी दोनों ही लेग पर इस तरह के मोटर्स दिए गए हैं, और ये बोश कंपनी के मोटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें थ्री स्टेज, ये जो है थ्री स्टेज हाइट एडजस्टमेंट है, काफ़ी मजबूत इसके पैर दिए गए हैं, इसकी लेग काफ़ी मजबूत है, पाउडर कोटेड लेग्स हैं, पेंट काफ़ी बढ़िया इसके ऊपर हो रखा है, और यहाँ पर पूरा फ्रेम इसका स्टील से बना हुआ फ्रेम है। और दूसरी साइड अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मोटर लगी हुई है, दोनों ही लेग्स में यहाँ पर मोटर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक बैग टांगने के लिए भी क्लिप होल्डर दिया गया है, इसके ऊपर आप अपना गेमिंग हेडफोन भी हैंग कर सकते हो, आप चाहो तो अपना बैग भी यहाँ पर टांग सकते हो। दोनों ही लेग के अंदर मोटर्स दी गई हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी है ये। 53 किलो का बच्चा है, 54 किलो का, तो आराम से इसके वजन को उठा रही है, तो पूरी तरह से बाहुबली टेबल है ये। और अब आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा जो सेटअप है, पीसी का जो सेटअप मैंने यहाँ बना रखा है, ये पूरे का पूरा सेटअप मैं इसके ऊपर शिफ्ट करने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पूरी यहाँ पर इस लेवल तक पहुँच रही है, मतलब मेरे यहाँ तक ये आ रही है। 124 सेंटीमीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो काफ़ी ऊँची हो गई, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो इसकी मिनिमम हाइट है 60 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हाइट है 124 सेंटीमीटर। तो ये टेबल बहुत ही यूजफुल टेबल है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 10 साल की वारंटी मिल रही है। इसके अलावा इसके अंदर जो डुअल मोटर्स दी गई हैं, जर्मनी की बोश कंपनी की मोटर्स इसके अंदर दी गई हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें 3 मेमोरी के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इनके अंदर हम वन टच मेमोरी से ही इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले दिखा चुका हूं। तो अगर बात करें इसके साइज की, तो मैंने यहाँ पर जो साइज मंगाया है, इसका जो टेबल टॉप का साइज है वो है 1500 mm by 750 mm। तो यहाँ पर आप 1800 by 800 mm का टेबल टॉप भी ले सकते हो। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर आप 1800 mm तक यूज कर सकते हो। ये 120 किलो तक का वजन उठा सकती है। मैंने यहाँ पर चेक करके देखा था, मैंने 53 किलोग्राम के बच्चे को इसके ऊपर बैठा के दिखाया था, मैंने खुद भी बैठ के इसके ऊपर देखा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से ये काम कर रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने अपना पूरा पीसी, डुअल पीसी मॉनिटर, अपना पीसी सारा कुछ इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये आराम से ऊपर नीचे हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें इसके नॉइज लेवल की, तो नॉइज लेवल भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही हल्की सी आवाज ये कर रही है, काफी स्मूथ फंक्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई इसकी सारी अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में। तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी कमी यह है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी कमी तो यही हो गई। इसके अलावा इसके अंदर एक छोटी सी कमी मुझे ये लग रही है, वो कमी हम नहीं कह सकते लेकिन कमी तो है ही। जब हम यहाँ पर इसे यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा पीसी वगैरह सब यहाँ लगा हुआ है, जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हो थोड़ा सा भी जब हम इसे काम कर रहे होते हैं, हल्का सा हाथ भी लग जाता है, तो पूरी टेबल इस तरह से हिल रही है, पूरा पीसी मॉनिटर सब हमारा इस तरह से वाइब्रेट करता है। तो सिंपल सा है, ये टेबल यहाँ पर दो लेग पर टिकी हुई है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम तो हो ही जाएगी। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे इसका लग रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टेबल आपको खरीदनी चाहिए? तो मेरी तो यही राय है, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अच्छा खासा बजट अगर आपका है, तब आप इस टेबल पर बेशक जा सकते हो। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी है। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। आपको ये ऑटो हाइट एडजस्टमेंट टेबल कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।